क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.4 का हम लोग चौथा नंबर शुरू किए थे और एक क्वेश्चन बनाए थे गुणनखंड खंड ज्ञात करें। दूसरा नंबर को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं जैसे कि पहले ही बना चुके हैं। हम लोग क्या किए थे, पहले तो एक्स का वर्ग प्लस बीच में खाली जगह छोड़ना है प्लस 3। तब क्या करते हैं कि बीच में खाली जगह को भरना है, इसके लिए बतलाए थे फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, फर्स्ट में 2 और लास्ट में 3, 2 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब हम लोग को देखना है कि 6 कितना कितना गुना करने से आता है, 6 का 6 और 3 दुने 6 और 2 तिया 6 तो एक ही बात हो जाएगा, उसको इसलिए नहीं लिखते हैं। अब किसको जोड़ने पर या घटाने पर 7 आता, तो हम लोग देखते हैं 6 और 1 को जोड़ने पर 7 होता है, यहाँ लिखेंगे 6x + 1x। अब कोष्टक तोड़ते हैं 2x का वर्ग, क्योंकि कोष्टक के बाहर प्लस है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा प्लस 3। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ा जोड़ा कर देते हैं। अब ये दोनों में कॉमन निकालते हैं, जिसे कॉमन निकालने सिखाए थे, 2x का वर्ग प्लस 6x का कॉमन, 2x² x * x प्लस 6, 3 × 6x, जोड़ा ये निकलता है और ये निकलता है, जो जो दोनों में मिलता है उसको कोष्टक के बाहर निकाल देते हैं, बचता है क्या x प्लस, यहाँ बच गया 3, तो यहाँ पर बच गया हम लोगों का 2x और कोष्टक के अंदर x प्लस 3 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं निकलता है एक, तो एक लिखते हैं x प्लस 3। अब अंदर अंदर वाला x + 3 x + 3, जैसे कि पहला क्वेश्चन में ही बतलाए थे यदि कोष्टक के अंदर दोनों में एक ही चीज़ आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन हम लोग सही बनाए हैं, हल सही कर रहे हैं। एक बाहर बाहर एक कोष्टक के बाहर है 2x और ये कोष्टक के बाहर है प्लस 1, तो यही हम लोगों का हो जाता है गुणनखंड, इस प्रश्न का गुणनखंड x + 3 2x + 1 यही हो जाता है आंसर। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर प्रश्न लिख दिए हैं, ये दोनों होमवर्क के अंतर्गत रहेगा, इसको सबको बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे चौथा का पहला और दूसरा को ठीक से समझने के बाद तीसरा और चौथा बहुत ही आराम से बन जाएगा, बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक।